हेडिंग था तुम्हारे पास साधारण आसमन, और साधारण आसमन में चित्र बना लिया था, चित्र बना के अब हम नीचे लिख रहे हैं इसकी। हाँ, वो थोड़ी सी थ्योरी लिख दी थी बस। इस विधि में एक फ्लास्क में, इस विधि में एक फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक भरकर उसे गर्म करते हैं, भरकर उसे गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक की अपने क्वथनांक पर, जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक की अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक पर बाष्प बनने लगती है, अपने क्वथनांक पर बाष्प बनने लगती है, बाष्प बनने लगती है, यह बाष्प, यह बात नली की सहायता से, यह बात नली की सहायता से, नली की सहायता से फ्लास्क में, संघनित्र में, नली की सहायता से संघनित्र, संघनित्र वो जो डंडे के सहारे से खड़ा है, संघनित्र में जो पहुंच जाती है, नली की सहायता से संघनित्र में पहुंच जाती है, संघनित्र में यह बात ठंडी होकर, संघनित्र में यह बात ठंडी होकर द्रव अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, यह क्रिया एक निश्चित समय तक चलती रहती है, यह क्रिया एक निश्चित समय तक चलती रहती है, एक निश्चित समय तक चलती रहती है, चलती रहती है, और एक स्थिति ऐसी आती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ग्राही में द्रव आना रुक जाता है, ग्राही में द्रव आना रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है, इस ग्राही को, ग्राही को अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, दूसरा ब्लॉक लेंगे, जब और अधिक ताप बढ़ाया जाता है, जब और अधिक ताप बढ़ाया जाता है तो
अशुद्ध, तो अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में से दूसरा घटक, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक में से दूसरा घटक अपने क्वथनांक पर बाष्पित होने लगता है, अपने क्वथनांक पर बाष्पित होने लगता है, बाष्पित होने लगता है, जिसे अपने क्वथनांक पर बाष्पित होने लगता है, जिसे दूसरे ग्राही में एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं, जबकि अबाष्पशील अशुद्धियाँ, जबकि अबाष्पशील अशुद्धियाँ फ्लास्क में ही रह जाती हैं, जबकि अबाष्पशील अशुद्धियाँ फ्लास्क में ही रह जाती हैं, फ्लास्क में ही रह जाती हैं, लेंगे इस विधि द्वारा, जड़ी बूटियों से प्राप्त औषधियों, इस विधि द्वारा जड़ी बूटियों से प्राप्त अशुद्धियों, सॉरी औषधियों, जड़ी बूटियों से प्राप्त औषधियों का शोधन किया जाता है, डालेंगे प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन में लिखेंगे इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग उन कार्बनिक यौगिकों, इस विधि का प्रयोग उन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है, उन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है, किया जाता है जिनके क्वथनांकों में, जिनके क्वथनांकों में लगभग 10 डिग्री का अंतर होता है, लगभग 10 डिग्री का अंतर होता है, डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, जैसे जैसे बेंजीन और टालोइन, बेंजीन और टालोइन, टालोइन, टालोइन लिखें, टोलोइन कहते हैं, नहीं आदि, जैसे बेंजीन और टालोइन, आदि हाँ लिख दो, लिख दो, लिख दो आदि,
इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे जरा जी, यह विधि साधारण आजमन, एक लाइन और लिखो नई लाइन से, यह विधि साधारण आजमन के समान ही है, परंतु इसमें यह विधि साधारण आजमन के समान ही है परंतु इसमें एक प्रभाजी स्तंभ समान ही है, परंतु इसमें एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है
जी हमें कलर करना है, ब्लैक से बनाना है तुम्हें तो मैं जो लगा सकता हूँ काले से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो गया रास्ते का वजह निकलने का, कैसे कर रहा यही तो है भाई साहब, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। बनाओ सब हो गया। ना कम बाकी कर सकते, कम या अधिक कर दोगे। इस विधि में जिन जिन घटकों को इस विधि में जिन घटकों को पृथक करना होता है, जिन घटकों को पृथक करना होता है उन्हें उन्हें एक फ्लास्क में
एक फ्लास्क में डालकर फ्लास्क में एक प्रभाजी स्तंभ लगा देते हैं, जिसमें एक थर्मामीटर लगा होता है, जब मिश्रण को गर्म करते हैं तो जैसे घटक का क्वथनांक कम होता है, वह बास्पित होकर प्रभाजी स्तंभ में पहुंच जाता है। इस बास्प को प्रभाजी स्तंभ द्रवित करता है और द्रवित करता है और यह द्रव स्तंभ से रुक कर नीचे फ्लास्क में गिरने लगता है परंतु जब प्रभाजी स्तंभ गर्म हो जाता है तो बास्प स्तंभ से संघनित्र में पहुंच जाती है और यह बास्प ठंडी होकर द्रव अवस्था में आ जाती है जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं यह क्रिया कुछ समय के पश्चात रुक जाती है
हो जाती है, जिससे मिश्रण में उपस्थित एक घटक पूर्णतः पृथक हो जाता है, और कुछ समय पश्चात यह क्रिया पुनः प्रारंभ होती है। इससे दूसरा घटक पृथक हो जाता है और इस प्रकार त्रिभाजी आत्मन द्वारा मिश्रण से घटकों को अलग किया जाता है भापासन में चित्र बनेगा तुम्हारा, चलो सर तुम्हारा कल नहीं निकलना है, जब से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा एक चित्र रह गया।